नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन टीचिंग वर्सेज ऑफलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है जो ऑफलाइन टीचिंग में नहीं मिलती है, ऑनलाइन टीचिंग करके आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं जो ऑफलाइन टीचिंग से कभी पॉसिबल नहीं है, इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग का, ऑफलाइन टीचिंग में अगर बात करें तो ऑफलाइन टीचिंग में जो है लिमिटेड स्टूडेंट की संख्या होती है। मान लीजिए अगर आपके क्लासरूम में 50 बच्चे बैठ सकते हैं तो 50 बच्चों का ही क्लासरूम रहेगा आपका, आप 50 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ा सकते। अगर सपोज करते हैं किसी का क्लासरूम बड़ा है, 100 बच्चे बैठ सकते हैं तो वो क्लासरूम 100 बच्चों का कहा जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा क्लासरूम है, 500 बच्चे बैठा सकते हैं, यानी जितना भी बड़ा क्लासरूम रहेगा बस उतनी ही सीटिंग कैपेसिटी हो सकती है ऑफलाइन में, जो मुझे लगता है कि एक टीचर के लिए काफी निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि टीचर को भी ये प्रिडिक्शन नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 500 क्लासरूम वाले टीचर के पास में 50 बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो 50 बच्चे वाला क्लासरूम है उसमें 100 बच्चे आ गए तो टीचर को एडमिशन ले नहीं सकता है, इसलिए उन बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है। लेकिन अगर बात करें वहीं पर ऑनलाइन टीचिंग का, तो टीचिंग में आपको अनलिमिटेड स्टूडेंट मिल जाते हैं। यानी अगर आपके पास में 50 बच्चे हैं तो मात्र आपको 50 बच्चों का चार्ज लगेगा। अगर आपके पास में 500 बच्चे हो गए सेम बैच में तो आपको 500 बच्चों का चार्ज लगेगा। और आपके पास में 500,000 बच्चे भी अगर हो गए ना, तो भी आपको 5,00,000 बच्चों के लिए आपको कुछ अलग व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, आपका सेम एप्लीकेशन पे, सेम ऐप पे, सेम होस्टिंग से सारा काम हो सकता है। ये मुझे लगता है ऑनलाइन टीचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें ना ये चीजें लिमिट नहीं करती कि आपके पास में कितने स्टूडेंट है। अगर आपके पास में 2 स्टूडेंट है तो भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, 200 है तो भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, 2,00,000 है तो भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन में ना ये चीजें, अगर 50 बच्चों का क्लासरूम है तो 50 बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं, 100 बच्चे नहीं ला सकते। अगर 500 बच्चों का क्लासरूम है तो 500 बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं, 1,000 बच्चों को नहीं ला सकते। तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन का ये क्लासरूम वाला लिमिट है, और जो कि ऑनलाइन में बिल्कुल ये लिमिट नहीं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ऑनलाइन का ये होगा कि आपके क्लासरूम से जो लिमिट वाली संख्या है वो हट जाएगी, आप जितना चाहें, जितना आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, जितने बच्चों को आप ऐड कर सकते हैं उतने ज्यादा बच्चों का पढ़ा सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। दूसरा पॉइंट है हमारा, ऑफलाइन में आपको क्या है ना कि डेली क्लास लेना पड़ता है, इसमें कभी कोई छुट्टी नहीं हो सकता। अगर पर्व त्यौहार है तो ही छुट्टी है, बाकी अदर कोई छुट्टी नहीं होता है, तो इसमें आपको डेली क्लास लेना पड़ता है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या फायदा है, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास, समझिएगा। अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो आप उसको लाइव क्लास एज ए लाइव क्लास सेल कर सकते हैं, ठीक है, और उसको फिर बाद में रिकॉर्डेड क्लास की तरह भी सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या है कि अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो वो एक बैच को दूसरे बैच को नहीं सेल कर सकते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि टीचर अपने बैचों को मर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन में यह सुविधा कि आप जो एक बैच में पढ़ा वो बाकी सारे बैच में सेल आउट कर सकते हैं, यानी कि लाइव क्लास भी इसका सेल कर सकते हैं अगर डेली क्लास ले रहे हैं तो, और जब आपका लाइव क्लास कंप्लीट हो गया तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपका एक बार का मेहनत आप जितना बार चाहे उतना बार सेल कर सकते हैं, जितना बार चाहे उतना बार रिपीट कर सकते हैं उन चीजों को। यानी एक बार आपने पढ़ाया उसको रिकॉर्डेड वीडियो बनाया, रिकॉर्डेड वीडियो बना करके तो जितना मर्जी उतना बार सेल कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट क्या है कि जैसे आप ऑफलाइन में डेली क्लास ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चा कुछ दिन के लिए दशहरा में गांव चला गया या छठ में कुछ दिन के लिए गांव चला गया, किसी की शादी आ गई, तबियत खराब हो गया, तो आप उसको ना बैकअप नहीं दे पाते हैं। बैकअप देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है उस बच्चे को कि आप ना किसी और क्लास में पढ़िएगा, तो किसी और क्लास में आइए, ये टॉपिक चल रहा है। अब होता क्या है, सपोज कीजिए ना कि अर्थमेटिक का कोई चैप्टर चल रहा है और उसका 2 क्लास छूट गया, बाकी एक क्लास तो उसको समझ में आएंगे नहीं। बट ऑनलाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप इसमें ना बैकअप अवेलेबल करा सकते हैं बच्चों को। यानी जो उसका क्लास छूटा बच्चे का, मान लीजिए रेशियो का उसका 2 क्लास छूटा, तो वो ना क्लासरूम आने से पहले वो 2 क्लास रिविजन करके आएगा। और अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे चलते हैं, यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों अगर आप जोड़ लेते हैं, आप ऑफलाइन वाले बच्चे को भी बैकअप अवेलेबल करा सकते हैं कि तुम्हारा 2 क्लास छूटा है तो तुम 2 क्लास यहाँ से बैकअप कर लो, बाकी के क्लास तुमको समझ में आएंगे। और ये इंडिया में 90% स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता था कि उनका कुछ क्लास, जैसे देखिए अब हर कोई कंटिन्यू क्लास तो नहीं कर सकता, तो उनका कुछ ना कुछ क्लास छूट जाता था, जिनके कारण से उनका रिजल्ट होने में काफी दिक्कतें होती थी, क्योंकि एक चैप्टर समझ में नहीं आया, फिर उनका इंटरेस्ट जो है ना धीरे धीरे कम होने लगता था, जिसके कारण में उनके आगे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जिसके कारण कभी उनका रिजल्ट नहीं हो पाता था। तो अब इस केस में क्या है ना कि बैकअप यहाँ पे ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं था, ऑनलाइन के माध्यम से ये चीज अवेलेबल है, जो कि स्टूडेंट के हित में अगर सोच के देखा जाए तो काफी ज्यादा बेनिफिट है, और ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट का। चौथा पॉइंट है हमारा बजट को लेकर। देखिए, अगर आपको ना छोटा सा भी ऑफलाइन क्लासरूम खोलना है, जैसे 50 बच्चों का भी अगर आपको क्लासरूम खोलना है, आपको मिनिमम 5,00,000 का बजट चाहिए होगा, क्योंकि जब आप जाते हैं कहीं पे रेंट वगैरह लेने के लिए तो एक पगड़ी बोल करके शब्द होता है जहाँ पे आपको ज्यादा पैसे देने होते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए अगर उस मकान का किराया 20,000 रुपये है तो आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपये वहाँ पे देने होते हैं। उसके बाद बच्चों के लिए बेंच, डेस्क, पानी, एसी, कूलर, ये सब चीज़ों की व्यवस्था करना, उसके बाद में बोर्ड वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ों में मिनिमम टू मिनिमम आपका 5,00,000 का बजट लग जाता है। वहीं पे आते हैं अगर ऑनलाइन वाले सेक्टर में, तो ऑनलाइन में ना इसका कोई लार्ज बजट नहीं चाहिए होता है।
सिंपल ऑनलाइन स्टार्ट करने के लिए आपके पास अगर मोबाइल है तो भी कर सकते हैं, अगर सिंपल सा बोर्ड है 400-500 का तो भी कर सकते हैं, उसके 10 रुपए का मिल जाते हैं, यानी आप मुश्किल से मुश्किल 2000 रुपए में ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में जाना है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा कि किस तरीके से 2000-3000 रुपए में आप अपना ऑनलाइन क्लासरूम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी चलिए अभी बात करते हैं कि इसमें कोई लार्ज बजट की जरूरत नहीं होता। इसमें क्या था कि अगर आपके पास 5 लाख रुपया हो तभी आप ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आपके पास 2000-3000 रुपया हो ना तो भी आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास में होता ही होता है। मोबाइल होगा, बोर्ड आप नॉर्मली 600-800 का ले सकते हैं, 10 रुपए का स्केच ले लीजिएगा, 100-200 का बल्ब ले लीजिएगा, माइक ले लीजिएगा 700-800 का, और ये आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत ही कम बजट में, तो मैं आई बटन पर लिंक दे दे रहा हूँ, वहां पर जाकर वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे 5 लाख लगेगा और यहाँ पे मान के चलिए 5-6 रुपया लगेगा, यानी कितना कम पैसा लग रहा है यहाँ पे, ये आप सोच सकते हैं। यानी उससे होगा कि ऑफलाइन में ना बहुत सारे लोग ऐसा था कि बहुत सारे लोग पढ़ाना तो चाहते थे, अच्छा पढ़ाते भी थे, बट बजट ना होने के कारण कभी ऑफलाइन पढ़ाई नहीं। यहाँ पे अगर बात करें ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में बहुत ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट बजट कम होने के कारण वो कभी अपना ऑफलाइन कोचिंग खोल ही नहीं पाते हैं। बट ये अगर बात कहा जाए ऑनलाइन से ये चीज़ें पॉसिबल होगी, जिसके पास भी अच्छी नॉलेज है, अच्छा पढ़ाना जानता है, बच्चों को एंगेज करना चाहता है, वो सारे लोग ऑनलाइन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट। तो अगला पॉइंट ये है कि देखिए इसमें पैसा तो ज़्यादा लग रहा है। अब पैसा ज्यादा लगा, मैंने पहले ही बात किया था, 50 बच्चों का क्लासरूम और आपके पास आगे 100 बच्चे, 100 बच्चों का क्लासरूम आपको लेने के लिए ना फिर से 5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आपने 5 लाख रुपया लगाया, मकान मालिक से बात किया कि मुझे थोड़ा सा बड़ा क्लासरूम दे दीजिए जिसमें 100 बच्चे बैठे, आपने 5 लाख रुपया लगाया। अब बात कीजिए 100 से 200 हो गया, फिर से आपका 5 लाख 10 लाख रुपया लगा। ये आप क्या कर रहे हैं ना कि आपके जैसे जैसे साइज बढ़ते चला जा रहा है ना, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है। अब सपोज कीजिए आप कमाएंगे यहाँ से 4 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 लाख रुपया ये सोच करके कि फ्यूचर में आपके पास में 500 बच्चे आएंगे। बट ऑनलाइन में सबसे खूबसूरत चीज क्या है, आप ना इसको आसानी से स्केल कर सकते हैं। अभी 50 बच्चा पढ़ रहे हैं आपका यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन अगर 500 भी हो जाता है तो भी आपको खुश होना है, दुखी नहीं होना कि मुझे कैसे स्केल करना है। क्यों? क्योंकि ना आपका इसमें बोर्ड लगने वाला एक्स्ट्रा, ना आपका इसमें इंटरनेट कनेक्शन एक्स्ट्रा लगने वाला, मतलब जो भी चीजें हैं आप इसको आसानी से स्केल कर सकते हैं। और ऑफलाइन में अगर बात की जाए कि अगर 50 से बच्चे 500 होते हैं ना, तो आपको ये दिमाग में लेकर के चलना पड़ेगा कि अगर 500 हुए तो मुझे 100 बेंच लगाना पड़ेगा, उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक बड़ा सा रूम लेना पड़ेगा, वेटिंग रूम बनाना पड़ेगा, काउंटर बनाना पड़ेगा, रिसेप्शनिस्ट रखना पड़ेगा, ये सारी चीजों का आपको सोचना पड़ता है। बट अगर बात करें ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं, अगर 500 बच्चे भी पढ़ रहे हैं एक बार में तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 500 बच्चे 5000 भी हो गए एक दिन में तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो क्योंकि जो आपका होस्टिंग है, जो आपका एप्लीकेशन है, वो सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 है कि अब देखिए ऑफलाइन में मैंने आपको बताया कि आपका बजट ज्यादा लग रहा है, बेंच लगाने में लग रहा है, पानी वाला लगाने में लग रहा है, रूम का रेंट देने में लग रहा है, तो बजट काफी ज्यादा लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को चाह करके भी मिनिमम फी नहीं चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे आपने फी चार्ज किया 5000 रुपया, ठीक है, 5000 में से लगभग आपका 4000 रुपया मैनेज करने में चला गया, कुछ स्टाफ को पैसे देने में चला गया, कुछ मकान मालिक को देने में चला गया, कुछ आर ओ वाटर लगाने में चला गया, कुछ वेटिंग रूम बनाने में चला गया, कुछ बेंच बनाने में चला गया, यानी आपका 4000 रुपया इन्वेस्टमेंट होगा तब जाके आप 5000 रुपया कमाएंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन का। ऑनलाइन में अगर आपने 999 रुपया भी फी रखा है ना, तो 999 रुपया सीधे और सीधे आपके पास में आएगा। तो इस कारण से ऑफलाइन में खर्चे काफी ज्यादा है इसलिए आपका फी हमेशा हाई रहता है, और ऑनलाइन में खर्चे कम है इसलिए आपका फी लो हो जाता है, यानी इसका मिनिमम फी है। और मिनिमम फी का मतलब होता है कि अब आप जितने ज्यादा बच्चों को चाहें उतने बच्चों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि वही सेम कोर्स अगर ऑफलाइन में 5000 मिल रहा है और वही सेम कोर्स अगर ऑनलाइन में 999 में मिल रहा है, तो आप जितना ज्यादा बच्चों को चाहें जोड़ना उतने ज्यादा बच्चों को जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे फी हमेशा मिनिमम रहेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 का। पॉइंट नंबर 7 है कि अगर सपोज कीजिए कि किसी कारणवश आपको वहां पे नहीं पढ़ाना, जहां पे अभी आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं वहां पे आपको नहीं पढ़ाना, आप चाहते हैं अपने क्लासरूम को कहीं और लेकर के जाना। सपोज कीजिए अगर मैं पटना के एरिया की बात करूं, अगर आप मुसल्लपुर हाट में पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं अपने क्लासरूम को, और आप अगर चाहते हैं अपने क्लासरूम को बोरिंग रोड में लेकर के जाना, तो आप नहीं लेकर के जा सकते। कारण इसके पीछे यह है क्योंकि जो भी आपसे बच्चे जुड़े हुए हैं वो मुसल्लपुर हाट के बच्चे हैं, आप उनको बोरिंग रोड में ले जा करके नहीं पढ़ा सकते। बट अगर ऑनलाइन में बात कहा जाए तो ऑनलाइन ना काफी फ्लेक्सिबल है। ऑनलाइन फ्लेक्सिबल इसलिए है कि आप कहाँ से क्लास ले रहे हैं, कहीं लंदन से क्लास लीजिए, दुबई से क्लास लीजिए, मुंबई से क्लास लीजिए, बच्चों को उससे कोई लेना देना नहीं है। और बच्चों को कई बार तो पता भी नहीं होता कि टीचर कहाँ से क्लास लेते हैं,
कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर अपने स्टूडियो से ना होकर के दूसरे स्टूडियो से क्लास लेते हैं, तो बच्चों का तो क्लास कंटिन्यू चलते रहता है और टीचर भी फ्लेक्सिबल रहते हैं, मतलब कहीं से भी वो क्लास ले सकते हैं, तो टीचर भी इसमें फ्लेक्सिबल रहते हैं और ज्यादा बर्डन नहीं रहता है, ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, यहाँ पे छोड़ देंगे तो मेरा वहां पे नहीं चलेगा, वहां पे नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, तो ये सब चीजें सोचनी नहीं पड़ती एक टीचर को। और एज ए टीचर ये काफी रिलीफ देने वाली बात है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ पे रहूंगा तो चलेगा, मेरा वहां पे नहीं चलेगा, इसलिए आप लोग अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी को बिल्ड कीजिए। अब बात करते हैं नंबर एट का। नंबर एट है कि अगर आप ना ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो ऑफलाइन क्लास में विदाउट क्लासरूम ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आप विदाउट क्लासरूम कभी क्लास ले पाएंगे। लेकिन अगर बात करें नंबर एक में ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लास के लिए आपको क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है, क्लासरूम लेने की जरूरत ही नहीं है, आप कहीं से जहां से आप कंफर्टेबल हो, अगर अपने घर से कंफर्टेबल हो तो घर से, रूम से, होटल से, कहीं से भी चाहे तो अपना आप अपना ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। आपके पास में जो जरूरी इक्विपमेंट है वो आपके पास में बस होने चाहिए, आप कहीं से भी क्लास ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं, ऑफलाइन क्लास में नहीं मिलता है। और मैंने आपको जो भी कंपेयर करके बताया वो सारी चीजें रियल है, आप भी ये बात जानते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ाना तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा, साथ ही आपको ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको आपका यूट्यूब चैनल बनाना है, किस तरीके से आपको पढ़ाना है, किस तरीके से आपका बैकग्राउंड वगैरह रखना है, किस तरीके से आप नॉइज कैंसिल करेंगे, किस तरीके से आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। और एप्लीकेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, लाइव क्लास, पीडीएफ, ईबुक वगैरह ये सारी चीजें सेल कर सकते हैं। तो देर नहीं कीजिए, ऑनलाइन जुड़िए, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप एक कम्युनिटी बना लेते हैं तब फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और ये सारे बेनिफिट जो भी मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं। तो उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।